वालेकुम। ये अली मदद, जिस हस्ती को मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैंने सोचा भी नहीं था कभी कि मैं उनके बारे में बोलूँगा। बस एक सिलसिला था जो हमारा चला चैनल का, एक ख्वाब जिसके थ्रू जो है आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। आज इसी वजह से जो है वो मैंने इनके बारे में दो बार, मैं पहले भी आया हूँ करबला और मैं नहीं बोल सका, आज थोड़ी सी हिम्मत करके जो है वो स्टार्ट करने लगा हूँ। कि आप ये देख रहे हैं, ये जनाजा है, यहाँ इस तरह हर वक्त जो है वो लगा रहता है ताता। जो भी मरने वाले की ख्वाहिश होती है कि उसको जो है मरने के बाद जो है वो तवाफ़ करवाया जाए इमाम हुसैन के हरम का और गाज़ी अब्बास का, तो वो करवाया जाता है। अगर 7 चक्कर बोल के जो है वो उसकी वसीयत करके गया तो ये 7 चक्कर लगाते हैं। इसी तरह हरम के अंदर के भी चक्कर लगाए जाते हैं। और ये जो एरिया है अब्बास अलमदार से लेके जो है वो मौला हुसैन तक के हरम का जो फासला है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप सफ़ा मरवा के दरमियान जो है वो सही करते हैं, ये बिल्कुल सेम डिस्टेंस है और सेम चीज़ है। मैं आपसे बात कर रहा था इमाम हुसैन के बारे में, जिनके नाना जो है वो पैगंबर खुदा हैं और वो पैगंबर जो सब नबियों के से अफजल हैं, सब नबियों के सरदार हैं, जिन्होंने सब नबियों की इमामत की है और इस पूरी खल के लिए जो है, इस कायनात के लिए या आलमीन के लिए जो है वो रहमत बनकर आए, आलमीन के लिए रहमत बनकर आए। ये एक छोटा सा हमारा दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, इसके अलावा खुदा ने कितनी बनाई होगी अभी तक किसी की नॉलेज में नहीं है। उनके फादर मौला अली, वो मौला अली जिनको जो है उनके बारे में कोई लफ्ज़ नहीं बोला जा सकता, और जहाँ उनकी तारीफ़ में जितने भी लफ्ज़ बोले जाएं कम है। शेर खुदा हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो चचाजाद भाई हैं, एक ही ब्लड है और दामाद भी हैं। इसके साथ साथ दो ऐसे बच्चों यानी कि इमाम हसन और इमाम हुसैन, इन दोनों के फादर और ये दोनों जो हैं वो जन्नत के सरदार भी हैं। और इनकी माँ बीबी फातिमा जो नबी खुदा की प्यारी और सबसे लाडली बेटी हैं, और ख्वातीन की जितनी भी ख्वातीन हैं उनके जन्नत की सरदार भी हैं। तो ये ख़ानदान कोई छोटा नहीं है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इसी में जो है इमाम हुसैन, इनकी मिसाल ऐसी है, इनके बारे में बोलना जैसे दरिया को जो है वो कूजे में बंद करने के बराबर है। इतनी वास्ट पर्सनैलिटी है, बचपन से लेके जो है वो शहादत तक और शहादत से लेके आज तक और आज से जो है वो क़यामत तक जो है इनके बारे में कोई नहीं जान सका सिवाय अहले बैत के। ये वो साथी हैं जो अहले बैत का हिस्सा हैं, ये वो हैं जो हदीस किस्से का 5वां फ़र्द हैं, ये वो हैं जिनको खुद खुदा ने जो है वो कहा कि ये मेरा आशिक है। तीन शाबान को जो है 4 हिजरी, 3 शाबान को जो है खुदा जो है वो बीबी फातिमा को जो है वो एक अनमोल तोहफे से नवाजता है। इमाम हुसैन जो है वो इस दुनिया में आते हैं, जैसे ही वो पैदा होते हैं मौला अली जो है वो अपने भाई यानी कि पैगंबर खुदा को जो है वो जाके बताते हैं, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दौड़े चले आते हैं और अपनी ज़बान मुबारक जो है वो इमाम हुसैन के मुंह में डाल देते हैं। ये पहली गुट्टी थी जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उनको दी। इसके बाद जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब आ जाते हैं दोनों भाई कि हजूर ने इमाम हुसैन के बारे में कहा कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ, और मैं इसका जो है बाप हूँ और ये कई लोगों का बच्चों का बाप होगा, यानी कि मैं ग्रैंड फादर हूँ इसका और ये बहुत से लोगों का ग्रैंड फादर होगा।
उसका हमें आगे जाके पता लगा कि जो नस्ल आगे चलनी थी, इमामत चलनी थी, वो जो थी वो मौला हुसैन की आल में से चलनी थी। इमाम हुसैन की जो विलादत हुई उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये दोनों जो है वो मेरी नस्ल को आगे बढ़ाएंगे। आम जबान में देखा जाता है तो नस्ल जो है वो बेटी की नहीं बाप की नस्ल से आगे चलती है, ये तो बेटी की आगे बेटे थे। तो हजूर ने कहा मेरे जो है ये दोनों बेटी के जो बेटे हैं ये मेरी नस्ल में से, और ये मेरी आगे नस्ल बढ़ाएंगे, बाकी लोगों का जो सिस्टम है वो उसी तरह चलता रहेगा। इस पे जो है वो आगे हजूर सल्लम ने कहा कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। आगे चल के और कहा इमाम हसन और हुसैन के बारे में कि ये दोनों जो है वो जन्नत के सरदार हैं। ये इनकी फजीलत बयान की, हजूर सल्लम इनके बड़े नाज और नखरे उठाते थे दोनों भाइयों के, ख़ास तौर पे इमाम हुसैन कुछ अलग ही थे। एक बार हजूर सल्लम जो है वो नमाज़ पढ़ा रहे थे तो इमाम हुसैन जो है वो उनके कंधों पे बैठ जाते हैं, तो उनको वही नाजिल होती है और खुदा उसमें कहता है कि ए मोहम्मद, हुसैन तुम्हारे कंधे पर है तो तुम अपना सजदा लम्बा कर दो, तो उस पर हजूर सल्लम सजदा लम्बा कर देते हैं। ये वो हुसैन थे जो हजूर खुतबा देते थे तो ये उनके मिंबर पे आके उनके साथ बैठ जाते थे। ये वो हुसैन थे जो अपने नाना के कंधों पे सवारी करते थे। ये वो हुसैन हैं जो अपने नाना के जो है वो घोड़ा बन के ऊपर बैठा करते थे। ये वो हुसैन हैं जिन्होंने जो है हर तरह की अपने बचपन में जो है वो तरबियत अपने बाप से, अपने नाना से, अपनी माँ से जो है वो पाई। ये वो खुश नसीब दोनों भाई थे जिन्होंने जो है वो लाड और प्यार वो देखा। वो शहज़ादे थे जो अलग ही नज़र आते थे, हर कोई जो है वो इनको लाड करता था और ये भी हर किसी से जो थे वो लाड करते थे जो इनके करीब होता था। खुशबू इनको बहुत पसंद थी, खुशबू का बहुत शौक़ था, तो नाना कहीं पे भी जाते थे या कहीं से इनके लिए खुशबू आती थी तो इनको ज़रूर देते थे। इनकी मौला हुसैन ने जो है वो तकरीबन रिकॉर्ड में जो ज़्यादा जिनसे औलाद हुई इनको वो तीन बीवियाँ हैं, उसके अलावा भी उन्होंने शादियाँ की तीन से ज़्यादा, मगर जो जिनसे औलाद हुई हम उनका ज़िक्र कर रहे हैं कि उनमें बीबी शेरबानो जिनसे जो है वो इमाम ज़ैनुल आबदीन और बीबी सकीना पैदा हुए। इसी तरह इनकी दूसरी वाइफ जो थी वो उम्मे लैला थी, उनसे जो है वो शहज़ादा अली अकबर और बीबी फातिमा सुगरा जो है वो पैदा हुए। इसी तरह तीसरी बीबी जो थी इनकी बेगम जो थी वो उमर रुबाब थी, उनसे जो है वो शहज़ादा अली असगर और सुकैना जो है वो पैदा हुए। इस तरह इनके छह बच्चे जो है वो बताए गए हैं कि तीन बेटे और तीन बेटियां। इसके अलावा जो शादियाँ हैं वो मेंशन नहीं है, किसी किताब में जो है वो 8 लिखा है, किसी में जो है वो 9 लिखा है, इस तरह इनकी जो है चला आ रहा है। और यहाँ पे जो है वो उनको कुछ लोगों ने जो है वो मना किया कि आप जो है वो कूफा की तरफ नहीं जाओ। उन लोगों में जो था इब्ने ज़ुबैर था, अब्दुल्ला बिन उमर था और अब्दुल्ला बिन अब्बास था। ये वो लोग थे जो इमाम हुसैन को उन्होंने एडवाइस किया कि आप कूफा ना जाएं।
कूफा जाने की रीज़न क्या थी कि मदीना में ही जो थे वो इमाम को जो है वो लेटर आने लग गए थे कूफा से कि हमें यहाँ के लोग तंग कर रहे हैं और यहाँ की हुकूमत जो है हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके साथ जो है वो आपकी बैत करना चाहते हैं और आपके ज़ेर साया रहना चाहते हैं, इस तरह के और बहुत से उन्होंने और भी मसाइल लिखे थे उसमें। तो ये चीज़ें थी जो एक मदीना से निकलने का सबब था। फिर मक्का में जो है इमाम हुसैन ने जो है इन लोगों के कहने के बाद जो है वो दो जो है वो अपने जो है वो सफ़ीर भेजे मुख्तलिफ सिंध में, उसमें से एक सफ़ीर जो थे वो कूफा की तरफ आए जो उनके अपने बहनोई थे, उनका नाम था मुस्लिम बिन अकील। मुस्लिम बिन अकील वो थे जो उन लेटर की बेस पर जो है इमाम हुसैन ने जो है उन्हें कूफा भेजा और कहा कि भाई मैं तुम पे भरोसा करता हूँ और तुम जाके जो है मेरी तरफ से देखो और लोगों की जो है वो बैत दो और मुझे करंट सिचुएशन बताओ। जब मुस्लिम बिन अकील वहाँ पहुँचते हैं इमाम हुसैन के सफ़ीर बन के, तो मुख्तलिफ़ ज़राओं में और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तकरीबन जो है वो 18,000 लोग जो है वो उनके हामी या बैत ले लेते हैं या बैत के हामी हो जाते हैं। लोग 18,000 हामी हो जाते हैं मुस्लिम बिन अकील के, तो वो इमाम हुसैन को जो है वो भेज देते हैं लेटर कि भाई यहाँ लोग ऐसे हैं, तो वो वहाँ से चल पड़ते हैं। वो अपने बीवी बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और भी मेंबर थे और अपने कुछ फॉलोवर्स या चाहने वालों के साथ जो करीबी थे उनके साथ आए। अगर जंग करबला पहुँचते हैं, जब करबला पहुँचते हैं 2 मुहर्रम को, तो उस वक्त जो है माविया की फ़ौजें सामने होती हैं और ये आ जाते हैं। यहाँ पे मौला हुसैन जो है वो जगह ख़रीदते हैं और उसके बाद जो है अपने डेरे यहाँ पे डालते हैं और दरए फराज जो है यहाँ करीब नहीं थी, उसके करीब जो है वो डेरा डालते हैं ताकि पीने का जो है वो हो सके काम और बाकी कामों में आ सके पानी। कि इमाम हुसैन जो है यहाँ 2 मुहर्रम को आके करबला में जो है वो क़याम किया। खैमागाह मेरे बिल्कुल पीछे, ये इमाम हुसैन का रोज़ा है, इनके पीछे खैमागाह तिला ज़ैनबिया है। उससे पहले ही 7 मुहर्रम को जो है यहाँ पानी बंद हो जाता है और जो है वो इमाम हुसैन का जो काफ़िला होता है उसको जो है वो भूख और प्यास का सामना करना पड़ता है। उनका बेटा 6 महीने का शहज़ादा अली असगर जो है वो भिलक रहे होते हैं, उनकी बेटी 4 साल की बीबी सकीना वो रो रही होती है प्यास के मारे। तो इस जगह पर जो है वो एक अजीब सा सिस्टम चल रहा होता है कि एक छोटा सा कारवान जो मुश्किल से जो है 72 से हार्डली जो है वो 80 या 90 लोगों का काफ़िला और जो है एक हज़ारों की तादाद में फ़ौज जो है वो उसको सामने घेरे खड़ी है और उनका पानी बंद कर दिया है। और तपता सहरा है और गर्मी ठीक ठाक है, करबला यहाँ की गर्मी भी ठीक ठाक होती है, वो पड़ रही है और खैमों में भी गर्मी है और बाहर भी गर्मी है और रेत भी गर्म है, उसमें प्यास ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा लगेगी। तो 10 मुहर्रम आता है, जब 10 मुहर्रम को जो है तमाम अहले बैत जो होते हैं, जो उनमें मर्द हजरात होते हैं, उनको सामने आ जाते हैं और जब सामने आते हैं तो एक एक करके जो है उनको शहीद कर दिया जाता है। इन सब की हिस्ट्री और इनकी सब की जो दास्तान है वो आपको इनके नाम से जो है वो मैं आपको डिफ़ाइन करूँगा इंशाल्लाह। इसलिए जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी में या शॉर्ट जो है इस किस्से को किया है मैंने ताकि आपको मेन स्टोरी समझ में आ जाए। दस मुहर्रम वाले दिन ये सारे वाक़यात आते हैं, अब्बास अलमदार से लेके जो है इमाम हुसैन तक। और इनके सबसे छोटे बेटे शहज़ादा अली असगर से लेकर 18 जो है वो इस ख़ानदान के सादात को मार दिया जाता है। उनमें कुछ दूसरे भी हैं मगर 18 जो हैं वो इस ख़ानदान के हैं। ये सारा मंज़र जो है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन और बीबी ज़ैनब देख रहे होते हैं।
उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबदीन इंतहाई सख्त बीमार हो जाते हैं और वो जंग नहीं लड़ सकते, हत्ता कि जब इमाम हुसैन भी जो है वो शहीद हो जाते हैं और उनके बाद जो है वो यजीदी फ़ौज जो है वो घोड़े जो है वो यहाँ दौड़ाती है और खैमों की तरफ लेकर आती है बिल्कुल मेरे पीछे हरम के, तो आग लगा देते हैं, लूट लेते हैं सामान और जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद जो भी लोग बचते हैं उनको जो है वो कैदी बना लेते हैं। इसमें जो है जब वो इमाम ज़ैनुल आबदीन को मारने लगते हैं तो बीबी ज़ैनब कहती हैं इस बीमार को मार के क्या मिलेगा तुम्हें, ये तो तुम्हारे सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। तो उस वक्त जो है वो उसको छोड़ देते हैं उनको, ज़ैनुल आबदीन को, और उनके जो है वो बीड़ियाँ डाल देते हैं गले में, जो है बहुत बड़ा पत्थर डाल देते हैं और यहाँ से जो है वो ऊँटों पर बिठा के या घोड़ों पर जो है उनको लेके जाते हैं। यहाँ से जो है वो करबला के बाद जो है वो कूफा से जो है वो शाम के बाज़ार से होते हुए यजीद के महल तक पहुँचते हैं। इमाम हुसैन शहीद होते हैं बिलतारीख 10 अक्टूबर 680 ईस्वी में और 10 मुहर्रम मुल हराम 61 हिजरी में जो है इनका दिन था जब ये क़यामत आई इस करबला में, और ज़मीन भी जो है थी कांप उठी, आसमान भी कांप उठा और खुदा भी जो है वो तड़प उठा, क्योंकि ये मंज़र जो है वो सिर्फ इंसानों ने नहीं देखा जो उस वक्त मौजूद थे, बल्कि मलाइका ने भी देखा, पैगंबरों ने भी देखा, रसूलों ने भी देखा, फरिश्तों ने भी देखा, रूहों ने भी देखा और अल्लाह की जितनी मखलूक थी चिरिंद परिंद उन सब ने ये मंज़र को देखा। हुसैन की शहादत के बाद जो है ये यहाँ पे जो है वो अब सिलसिला शुरू हो चुका है, कई सालों सदियों से आ रहा है कि पहला मुहर्रम जैसे शुरू होता है इस्लामी महीने का पहला दिन शुरू होता है, तब से जो है 10 मुहर्रम तक जो है वो इमाम हुसैन का जो है और उनके साथ जो जितने भी लोग शहीद हुए उनका शोक मनाया जाता है। 10 मुहर्रम और हराम को जब शहीद हुए थे उसको जो है वो आशूरा कहा जाता है और उस दिन जो है पूरी दुनिया में जो है इनका शोक जो है और इनका दुख जो है वो मनाया जाता है। हर आम खास लोग चाहे वो किसी भी फिरके से ताल्लुक़ रखते हों, जो अपने दिल में थोड़ा सा अफसोस रखते हैं या सेंसिबिलिटी रखते हैं वो ज़रूर इस दिन जो है वो अपने आप को गिल्टी फील करते हैं और इनके गम में जो है वो शामिल होते हैं। इसी तरह इनका जो है वो 10 मुहर्रम के बाद जो 20 सफ़र को जो होता है इस्लामी डेट के हिसाब से वो इनका चहलम यानी कि अरबैन मनाया जाता है। यहाँ तक के लिए मेरी मालूमात आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरी इस कोशिश को सराहिएगा और आगे भी शेयर करिएगा। नए हैं तो नई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब के बटन के बाद घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।